नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रकाश कुमार आज आपके साथ अपने लाइफ का कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने आया हूँ। पहले तो मैंने ये सीडी में सुना था, उस सीडी में जगदार सिंह जिन जो एक्स आर्मी ऑफिसर थे, उन्होंने बताया कि उनके लाइफ में उन्होंने जो सुना था, तो फर्स्ट टाइम मुझे सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे और मैंने अपने लाइफ का डिसीजन लेने में बहुत हेल्प हुआ। उस समय उस सीडी में उन्होंने ये बताया कि उनका एक फ्रेंड थे जो अच्छे ऑफिसर थे, अच्छे रैंक के, आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे वो, और उनके 3 बेटियाँ थी, एक लड़का था, वाइफ थी और वो थी। अचानक एक दिन ऑफिस से आने के दौरान उनका कार एक्सीडेंट होता है और उस दुनिया से चले जाते हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब में थे तो उनकी वाइफ को उनके पद पर उनका नौकरी मिला, और उस नौकरी करते करते वाइफ के साथ भी कुछ ऐसा हुआ जिसके वजह से वो अपने स्टोर में उन्हें अपने फांसी लगा के वो इस दुनिया से निकल गए। अब उनके पीछे रह गए उनके 3 बेटियां और एक लड़के। बड़ी बेटी 16 साल की थी, उससे छोटी थी 14 साल की, इस तरह करके उनके फैमिली में बाकी बच्चे हुए थे। बड़ी बेटी को अपने बच्चे का, यानी पहले पहले तो आपकी फैमिली उनके फैमिली में सभी लोगों ने बोला कि चलो मैं आपका साथ दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, यानी बहुत सारे लोग हिताई तो देने आते हैं, बट है कि समय समय के बाद ये सारे लोग दूर हो जाते हैं। तो उस लड़की के साथ भी ऐसा ही हुआ। फिर उन्होंने अपना वो लड़की ने, क्योंकि बच्चे भूखे थे, घर में कुछ नहीं था, कुछ समय बाद तो वो कहीं काम के लिए निकली, तो वो जहाँ काम करने निकली तो वहाँ पे बहुत उनके साथ गलत व्यवहार हुआ, गलत कुछ ऐसे हुआ जिसकी वजह से वो होटल में जहाँ जॉब करने जा रही थी वहाँ पे उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो उस मैनेजर को थप्पड़ मार के वापस घर आ गई। फिर बट आई घर में तो देखी कि मेरा भाई भूखा है और उनसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर वो निकल के गई फिर से उसी जगह में, फिर वहाँ उनके साथ जो गलत व्यवहार हुआ, क्योंकि मजबूरी था उस समय, उस बच्चे को पालना था, तो वो जो भी करना था गलत काम हुआ उनके साथ, फिर भी उन्होंने अपने पैसे कुछ ले किया और अपने भाई को कुछ दिन तक ऐसा किया। कुछ दिन तक करने के बाद वो अपने आप से बर्दाश्त नहीं हो पाई, वो भी इस दुनिया में इसी तरीक़े से निकल के चली गई। इस तरह करके इनके साथ ऐसा व्यवहार हुआ। तो इस स्टोरी से मुझे एक सबक मिला कि भगवान न करे मैं कल को अगर इस जगह नहीं रहूँगा, मैं अपने फैमिली में, अपने फैमिली से बहुत प्यार करते, अपने माँ बाप से बहुत प्यार करता, अपने भाई से बहुत प्यार करता, हमारा अपने गांव से बहुत प्यार करता है, यानी मेरे बहुत ही चाहने वाले लोग, भगवान न करे मुझे कल को कुछ हो जाए तो मेरी फैमिली को देखने वाला कौन है सबसे पहली बात। तो मेरे लाइफ का डिसीजन लेने में मुझे बहुत हेल्प किया। रिसेंटली मैं असम से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे कुछ साथी वहाँ पे है और मेरे कुछ शुभचिंतक थे जो मेरे वहाँ पे, अचानक उनके साथ ही भी एक दुर्घटना हुआ और एक्सीडेंट के दौरान उनका भी देहांत हो गया। तो ये मेरा प्रैक्टिकल, वो ना मैं तो वो सीडी से सुना था, बट जब मैंने रियल लाइफ में प्रैक्टिकल देखा तो मुझे लगा नहीं, अगर आप ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो अच्छी बात है, कीजिए, बहुत अच्छा चीज़ है, जॉब जॉब करना चाहिए भी अगर आपको। और एक चीज़ है कि जस्ट यहाँ पे एक उदाहरण देकर समझाऊंगा, अगर मैं कहूँ आपको बाल्टी ला के पर डे बाल्टी से भरना है, आपको आपके घर से 20 कदम दूर से हर दिन वहाँ से बाल्टी लाना है, बाल्टी भर के पानी लाना है, या 1 किलोमीटर दूर से या 5 किलोमीटर दूर से, अगर डेली मैं बोलूँ आपको बाल्टी भर के पानी लेके आइए, और आपको मैं एक और एग्जाम्पल और एक आपको ऑप्शन दूँ कि नहीं आप बाल्टी भरते रहिए, बट है कि वहाँ से एक पाइपलाइन बिछाते रहिए जो आपके घर तक आके पानी गिर पाए, तो आप कौन सा काम पसंद करोगे? बेसिकली आप बोलोगे कि मैं पाइपलाइन का काम पसंद करूंगा, क्योंकि अब मेरे घर तक डायरेक्ट पानी आ पाए, मुझे बार बार पानी लाने की ज़रूरत ना पड़े। दोस्त ये जॉब में भी ऐसा ही होता है, हम लोग जो अभी प्रोफेशन में काम कर रहे हैं ये हमारे लाइफ का, इससे आप सीख सकते हो। अगर कल को आप अपने जॉब में नहीं जा पाओ तो क्या आपके घर में पैसा आएगा? मेरा सवाल ये है आपसे, आज आप अपने घर में जाइएगा, सुबह जब आपकी फैमिली सब सो जाए आप उठिएगा, उठ के देखिएगा अपने फैमिली को कि क्या आज अगर आप यहाँ पर नहीं रहोगे तो क्या आपकी फैमिली सुरक्षित सो पाएगी? दोस्तों जब मैंने ये सब सोचा और समझा कि नहीं मुझे ऐसा कुछ काम करना है जिससे मैं ना भी रहूं तो मेरे फैमिली को या मेरे परिवार को ये तकलीफ ना सहना पड़े। सो दोस्तों मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में आपसे यहाँ पे कुछ शेयर करना चाहूँगा कि
डायरेक्ट फिल्म इंडस्ट्री आपको ये चीज़ एक मौका देती है कि आप यहाँ पे अपने जॉब के साथ साथ अपने प्रोफेशन के साथ साथ यहाँ पे एक ऐसा टीम बिल्ड कीजिए, अपना यहाँ पे एक ऐसा नेटवर्क तैयार कीजिए, भगवान न करे कल को आपको कुछ ना हो भगवान करे, आप जिस भी गुरु को मानते हो, वाहे गुरु को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, या जिस भी आप भगवान को मानते हो, भगवान न करे आपको कुछ हो, कल को अगर आप नहीं रहोगे तो आपके फैमिली में क्या होगा। तो अगर आप आज किसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ, हाँ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आप चॉइस कीजिए कौन सा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सबसे बेहतर या सबसे अच्छा काम करती है, आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और अच्छी कंपनी और अच्छे लोगों को साथ जुड़े। कंपनी बुरी नहीं होती, बट कुछ लोग ऐसे बुरे होते हैं जो 9-2-11 करके चल जाते हो, बट सब कंपनी अच्छी नहीं होती। आप देखिए कि इंडिया में रजिस्टर्ड कंपनी कौन सी है, क्योंकि इंडिया को प्रॉफिट मिले, या इंडियन कंपनी, या ऐसा बोल सकते हो कि आप ऐसे एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े जो इंडिया को सपोर्ट करती है, इंडिया के साथ रहती है हर चीज़ में, इंडिया के ये लोकल फॉर वोकल जो कर रही हो, ये जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, इस तरह से कंपनी का आप चॉइस कीजिए, अच्छे लोगों की तलाश कीजिए, क्योंकि लोग तो बहुत यहाँ पे है, बट कुछ बुरे लोगों के साथ कुछ बुरा अनुभव होता है, इसी वजह से इस इंडस्ट्री को बुरे लोग कहते हैं। तो दोस्तों मेरा यही यहाँ पे जस्ट आपसे से एक ही मैसेज है कि आप अच्छे लोगों की तलाश कीजिए, अच्छी कंपनी की तलाश कीजिए, और अच्छे, क्योंकि एक बार आप नेटवर्क बिल्ड कर दोगे ना, आज हो सकता है आपको 6 महीना लगे, साल भर लगे, 2 साल लगे, 5 साल लगे, 10 साल लगे, भगवान ना करे आपको कुछ हो। मेरे लाइफ का मैंने बताया असम के नौगांव से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे मेरी लाइफ का मैंने देखा, मैं अपने दोस्तों के फादर को देखा ऐसा, मेरे एक सबसे अच्छे टीचर थे उनके साथ ऐसा कुछ घटना हुआ, मेरे रिसेंट 2 दिन पहले मेरे साथ एक ऐसा अनुभव मिला, मैं उस पर्सन से मिला करता था और अचानक बाइक एक्सीडेंट हुआ और उनका देहांत हो गया, वो अपने फैमिली को छोड़ के गए, भगवान ना करे मेरे साथ कभी ऐसा हो, भाई किसी के साथ ऐसा ना हो। अगर कल को आप नहीं रहोगे इस दुनिया में तो क्या आप, या आप, आपके नहीं रहने के बाद क्या आपकी फैमिली सुरक्षित है, मेरा सवाल यही। इस वीडियो को शायद आप एंड तक देखे हैं, देखिए तो आप समझ जाइए कि अगर आप नहीं रहोगे तो आपकी फैमिली को कौन पालेगा या कौन देखेगा। क्योंकि मैं दोस्त कुछ लोगों का कहना है कि पैसा से सब कुछ खरीदा नहीं जाता, बट आज मैं कहता हूँ कि पैसे के बिना कुछ नहीं होता हर चीज़ का। ये जो प्रॉब्लम है आज लॉकडाउन में है, मैं भी तो लॉकडाउन में हूँ, तो आप समझ सकते हो इस चीज़ को, और आज अपने फैमिली को एक बार चेहरा ज़रूर देखना। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप इस बात को समझ के डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को अपनाते हो तो हो सकता है आपके फैमिली में आप ऐसा कार्य करो। यहाँ पर सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, आपको थोड़ा सीखना ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट सीखे हुए कुछ पॉसिबल नहीं है। सीख के तो साइकिल भी चलाया जा सकता है, और विदाउट सीखे है तो साइकिल भी चलाना मुश्किल है, सीख के लोग एरोप्लेन चला लेते हैं, तो सीखना तो पड़ेगा ही, यहाँ पे सीखेंगे तो ही काम बढ़ेगा। और अच्छे लोगों के साथ रहिए, जुड़े रहिए, साथ में रहेंगे तो बहुत कुछ सीखोगे, और नेगेटिव लोग बोलेंगे। हाँ, अब अच्छे कंपनी की तलाश कीजिए, अच्छे कंपनी के साथ जुड़िए, उनके लोगों के साथ जुड़िए, उनके टीम के साथ जुड़िए, तो आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। तो मेरा यहीं पे ये मैसेज था कि आप अच्छी कंपनी की तलाश कीजिए, अच्छे लोगों की तलाश कीजिए, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को अपनाइए। क्योंकि मैंने ये बिजनेस स्कूल एक मैंने बुक पढ़ रहा हूँ, आपको ये बुक मिल जाएगी कहीं भी अमेज़ॉन पे, इसमें भी बहुत ऐसे थॉट लिखे हुए हैं जो आपको अमीरी की तरफ ले जाएगी, आपको अपने फैमिली की सिक्योरिटी के लिए तरफ ले जाएगी। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, अगर ये मैसेज लगता है कि आपको लोगों के साथ शेयर करना चाहिए तो ज़रूर शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि मैं आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन और ऐसे कुछ लाऊंगा जिससे आपको, आपके फैमिली को या आपके लिए भला हो। तो थैंक यू सो मच।